चैनल पीहू सक्सेना ऑलराउंडर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि बहुत अच्छी होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, मैं हूँ प्रीति एंड पीहू। और जैसे कि आप लोगों को बता दें, आज नवरात्रि का पांचवा और कल छठा, मतलब आप देखेंगे तो छठे दिन देखेंगे तो नवरात्रि के दिन चल रहे हैं और मेरा भी फास्ट चल रहा है, आपको भी फास्ट चल ही रहा होगा। किसी कोई कोई आगे पीछे रहता है, कोई कोई नौ दिन रहता है, तो मैं तो नौ दिन रहती हूँ, आप लोग को पता है, नहीं पता है तो बता दे रही हूँ। और आप लोगों को दिल से थैंक यू, आप सब ने मेरी बात को माना और आपने बताया कि आप लोग कहाँ कहाँ से हैं, किस किस शहर से हैं, सारी चीज़ें बताई, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, दिल से थैंक यू। और आप लोग ना अगर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को लाइक करिएगा। और पूरा वीडियो देखने के बाद छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हो। आज वीडियो ना, मैं मंदिर से आ रही हूँ और दोपहर के बज रहे हैं ढाई, ठीक है। वहाँ से आके घर का भी थोड़ा बहुत काम है, दोपहर में टाइम मिला, थोड़ा सा जा रही हूँ। और आयुष है मेरे साथ और पीयूष है, आयुष पीयूष, और पापा बाहर लेटे हुए हैं, बाबू तो है नहीं। और चलते हैं मंदिर, पहुँच के आपको वहीं से मिलते हैं। आज थोड़ा सा और अच्छा वीडियो होने वाला है और पूरा एक साथ हम नहीं दिखा सकते। और प्लीज़ सॉरी, आप लोग बुरा मत मानना, मैं इतनी जल्दी जल्दी वीडियो नहीं दे पा रही हूँ, लेकिन कोशिश करूँगी, वीडियो बहुत जल्दी जल्दी दूँगी। जैसे आप लोग बोलते हैं ना कि वीडियो जल्दी बना कर, मतलब डेली दिया करो, जैसे देती थी मैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम, थोड़ा सा वक्त दीजिए, मैं ज़रूर दूँगी। थोड़ा नवरात्र ख़त्म हो जाए, थोड़े से कुछ काम है जो ऐसे होने वाले हैं, क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा, मतलब मैं बता नहीं पा रही हूँ, बहुत काम पड़ रहा है, तो वीडियो बनाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं। देखो, आप लोग समझ सकते हो, जो वीडियो बनाते हैं वो समझ सकते हैं कि वीडियो बनाना कितना टफ होता है, काम के साथ साथ प्लस वीडियो देना। तो नेटवर्क भी यहाँ पर थोड़ा सा स्लो चलता है, इसलिए वह दिक्कत होती है। बाकी मैं वीडियो कंटिन्यू लाऊँगी, एक दिन छोड़कर, रोज़ डेली नहीं ला पाऊँगी तो एक दिन छोड़, एक दिन लाऊँगी, ठीक है। आप लोग ने इतना प्यार आशीर्वाद, इतना प्यार सपोर्ट आशीर्वाद है सबका, तो बना के रखिएगा। और वीडियो में चलते हैं मंदिर, और आज यहाँ का व्यू बहुत प्यारा व्यू है, बहुत अच्छा है, जहाँ हम रहते हैं बहुत अच्छी सोसाइटी है। धीरे धीरे दिखाऊँगी, थोड़ा थोड़ा दिखाऊँगी, क्योंकि एक साथ मैं एक साथ नहीं दिखा सकती, आप लोग फिर कहोगे बहुत लंबा हो गया, लंबा हो जाता तो भी दिक्कत हो जाती है ना। तो धूप अच्छी लग रही है क्योंकि मौसम ठंडा हो चुका है। आप लोग की तरफ मौसम कैसा है अभी बताना, हमारे तरफ भी मौसम बहुत प्यारा, ठंडा सा, देखिए कितना अच्छा व्यू है, हरा भरा। पीयूष खेल रहे, पीयूष आयुष और मम्मी, मतलब पापा नहीं जा रहे हैं, हम बच्चों को लेके जा रहे हैं, ठीक है, चलते हैं, वहीं मिलते हैं। तो गाइस, यहाँ हम सोसाइटी के बाहर आ गए, जीटी रोड पे चल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये जीटी रोड है, डी आलम पुलिया वाली, जो इधर से हम जो जा रहे हैं ना, इधर पेशी रोड आता है, पेशी मोड़ श्यामनगर, और ये आ गए हम मंदिर में। श्यामनगर पेशी मोड़ जाने वाली रोड पर ही माता जी का छोटा सा प्यारा सा मंदिर है। और माता जी तो इतनी प्यारी, इतनी खूबसूरत लग रही थी, मैं क्या बताऊँ, बस इनको मैं ना बैठ गई थी, देखती रही, इतनी निहार रही थी, इतनी अच्छी लग रही थी, क्योंकि माता रानी वैसे भी बहुत, माँ तो अच्छी होती हैं, प्यारी होती हैं, और इतनी सुंदर, इतना प्यारा सा जो मुखरा है ना, बहुत प्यारा, मैं क्या बताऊँ आपको। और यहाँ पर मैं सब भगवान जी के दर्शन कर रही थी, तो ये देखिए आप, तो मैंने भगवान, बहुत पुराना सूट निकला, ये फिटिंग कोई सूट नहीं मिल रहा, साफ सूट नहीं रखा था, यही रखा, बहुत फिटिंग आ रहा है। और यहाँ पंडित जी ने मुझे श्रृंगार का सामान भी दिया। और ये देखिए कितनी प्यारी माता जी हैं, आप भी दर्शन कर लीजिए, दुर्गा माता के नवरात्र चल रहे हैं तो दर्शन करना बनता है। अब यहाँ से चलते हैं वापसी, देखिए रोड पर ही है मंदिर, जब पेशी मोड़ के लिए जाते हैं श्यामनगर के लिए, रोड पर ही पड़ता है, कुछ लोगों ने देखा ही होगा ना। तो ये देखिए मंदिर, और ये अब हम चलते हैं वापस अपने घर को, सोसाइटी को, ठीक है। तो ये जीटी रोड है जहाँ हमारा घर पड़ता है, वो जो सीओडी पुल होता है ना, उसके पहले ही गेट आता है इस पट्टी में, देखिए हाँ, इधर हम मुड़ेंगे, यहाँ मैं मुड़ रही हूँ ना, ये इधर, ये हमारी सोसाइटी है, ये मेन रोड है जो दिख रहा है, और यहाँ मुड़ रहे हैं, ये मेन रोड नहीं है, यहाँ पे जो सोसाइटी के लोग रहते हैं, जैसे साहब अफसर लोग रहते हैं ना, तो बस उनका आने जाने का रास्ता है, आम रास्ता नहीं है। ये बोर्ड पे लिखा है कॉलोनी का नाम, तो ये कॉलोनी है सरकारी, और यहाँ पे अफसर लोग रहते हैं, और अफसर लोग की कॉलोनी में हम लोग रहते हैं, तो उस टाइप का, ठीक है। तो साहब के यहाँ जिन साहब के यहाँ रहते हैं वहीं पर, और जैसे ही अंदर एंटर करते हैं पार्क आता है, तो पीयूष तो पार्क देख के पागल हो जाता है, तो कि हमको भी घूमना। और ये सूट मुझे इतना लंबा आ रहा था, मैं तो बाबा बाबा जैसा लग रहा था, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे जो वही मिला वही पहन लिया मैंने। और दिन के वही दो ढाई तीन बज रहे थे, तो आधे में धूप थी, आधे में छांव थी,
तो पीयूष तो देखते ही पार्क झूले में भागने लगता है, झूला झूलने, तो पीयूष भागे पार्क के लिए। तो मतलब अभी तो बिल्कुल घर में ही पार्क है, तो कहीं मतलब जाना ही नहीं। घर बगल में दो सोसाइटी छोड़ के, मतलब दो बंगले छोड़ के तीसरा बंगला जो है ना उसमें हम लोग रहते हैं। तो यहाँ पर तो फिर आप सोच सकते हैं कितनी दूर हो सकता है, बहुत दूर नहीं है, बस अंदर ही है। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, और यहाँ एक्सरसाइज वाले मैं एक्सरसाइज भी कर रही। ये देखिए ये घूमने लगा, मैंने तो दिखा दो, मैं कर नहीं रही हूँ, मैं आप लोग को साथ शेयर कर रही, और मुझसे ये हो ही नहीं रहा। और इतनी तेज़ धूप थी, धूप बहुत तेज़ थी, और ये ऐसे गोल गोल घुमाया जाता, मस्ती कर रहा था। वैसे भी मैं आ नहीं पाती इस समय, इतना बिजी हूँ कि आ नहीं पाती हूँ, बहुत दिन बाद, मतलब शायद बहुत दिन बाद आई हूँ, और ये मुझसे हो ही नहीं रहा था। ये देखिए पता नहीं क्या झूला, बच्चों के साथ आ गई दिन में, तो बस मस्ती कर रही हूँ, खेल कूद रही हूँ, बचपन याद आ रहा है। पीयूष आयुष भी है, और पीयूष तो मज़े से कर रहा है, उसका हल्का बॉडी ना, मेरा भारी बॉडी, मेरे और बच्चे में फ़र्क है। पीयूष झूला झूल रहा, बस मैं बैठ गई सुकून से थोड़ा सा। अंदर का व्यू कितना प्यारा लग रहा है ना, हरा भरा, ऐसे ऐसे सुकून की जगह मिलती कहाँ है, और जब मिलती है तो मन करता शांति से बैठ जाए थोड़ी देर। और आयुष बैठा हुआ है, कह रहा हम तो दिख ही रहे हैं। आयुष ऊपर नीचे वाले में दोनों लोग झूल रहे थे, दोनों भाई, और थोड़ा सा डर भी रहा था, कह रहा बच्चों वाला झूला है, मैं लंबा हो गया हूँ, बच्चा तो वो भी है लेकिन लंबाई की वजह से। और ये देखिए सोसाइटी, अभी हम चलते हैं, आपको पूरा दिखाएंगे, मेन गेट भी दिखा दिया, और पीछे का गेट भी दिखाएंगे जहाँ से छावनी कैंट लगता है। ये देखिए बंगले हैं, जो साहब वगैरह रहते हैं ना वो हैं, और हम लोग अंदर रहते हैं, अभी आपको दिखाएंगे। अंदर अभी नहीं चल रहा है, अभी पहले आपको हम पूरा दिखाएंगे। और ये देखिए जब शाम को टहलने निकलते हैं तो यहाँ पर बैठ भी सकते हैं। और एक दो पार्क है यहाँ पर, एक वो जो पार्क मैंने दिखाई झूला वाली पार्क हम लोग के बगल में ही है, और थोड़ा सा दो बंगला छोड़ के और ये पार्क है, टिल्ला पार्क बोलते हैं इसे। तो यहाँ पर भी थोड़े बहुत झूले हैं, और जो व्यू है ना बहुत प्यारा व्यू है, आपको क्या बताऊँ मैं, बहुत सुंदर, बहुत प्यारा। आप देखिए और पेड़ों की कटिंग बहुत प्यारी, पार्क बहुत सुंदर है, बहुत बैठने का, खेलने कूदने का बहुत अच्छा, बड़ा सा मैदान है, बच्चे चाहे जैसे खेले कूदे, बहुत शांत शांत है। दिन है ना थोड़ा सन्नाटा लग रहा है, लेकिन सन्नाटा रहता ही है, शाम सुबह लोग आते हैं, तो बहुत प्यारा लग रहा है। देखिए और अच्छा लग रहा था मौसम, वैसे भी थोड़ा थोड़ा नमी ठंड जैसा आ गया ना, तो अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। पीयूष को तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, पीयूष को मज़ा आती है। तो यहाँ पे भी झूले लगे, और यहाँ पे बहुत सारे पेड़ लगे हैं, देखिए इसमें केला लगा है, कच्चे केले लगे, तोड़े नहीं, मैं तोड़ती नहीं हूँ, कच्चे बच्चे केले नहीं तोड़ती, क्योंकि अगर हम किसी चीज़ को पक जाए तो वो बात अलग हो जाती है, लेकिन कच्चा नुकसान क्यों करना चाहिए ना। यहाँ पर आपको मैं दिखाऊँ, यहाँ पर देखिए फूल लगे हुए हैं, और ये फूल कितने प्यारे लग रहे हैं, नीले नीले पर्पल कलर के फूल हैं, और डिज़ाइन भी बड़ा प्यारा है। और यहाँ पर लगा है पपीता, मतलब उसमें पूरे में लगा हुआ है। और इधर आ गए, और यहाँ पर देखिए पार्क, देखिए दूर से मैं पूरी आपको दूर से दिखा रही हूँ, मतलब पूरा दूर से क्या, जब हम रोड पे चल रहे हैं ना, अंदर ही रोड पे, क्या ये मेन रोड नहीं है, मैंने बताया ना अंदर सोसाइटी का है, पूरा मैं दिखा रही हूँ, ठीक है। और इधर आ गए, दूसरा गेट भी मैंने आपको दिखा दिया, ये देखिए नारंगी लगा हुआ है, नारंगी क्या इसको क्या कहते हैं, संतरा लगा हुआ था। अब चल रहे हैं अपने घर को, तो अपने जिस बंगले में हम लोग रहते हैं बंगले के अंदर वहाँ चल रहा है, ठीक है। तो ये देखिए मैं एंटर कर रही हूँ अंदर, ये देखिए, और बहुत प्यारा व्यू है, सुबह शाम दोपहर किसी समय भी आइए यहाँ पे, बहुत अच्छा लगता है, बस मन करेगा कि कहीं बैठ जाए सुकून से, बहुत सुकून भरी जगह है। और ये हम आ गए अंदर, गाड़ी भी अंदर आती है, बाबू की गाड़ी अंदर खड़ी होती है। और यहाँ हमारे घर के सामने भी बहुत सारे पेड़ लगे हैं, पीपल का है, अमरूद का है, और गार्डन में बहुत सारे, और थक भी चुके हैं। आप सोच रहे होंगे मेकअप क्यों नहीं कर रही है, मेकअप क्या, थोड़ा सा सिंदूर और लिपस्टिक, बिंदी और टीका लगाती हूँ, लिपस्टिक नहीं लगाती हूँ। जैसे कि मैं बताऊँ, मैं लिपस्टिक नहीं लगाती नवरात्र के 9 दिन, बिल्कुल नहीं लगाती हूँ। जब जिस दिन मेरा नवमी का दिन व्रत उपवास पारण होता खुलता है ना, उस दिन लगाती हूँ, उस दिन से लगाती हूँ, बाकी 9 दिन में लिपस्टिक नहीं लगाती हूँ। क्यों क्यों पता नहीं, लिपस्टिक क्या क्या मिला हो क्या ना मिला हो, ठीक है। वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे, क्योंकि वीडियो हो गया है लंबा, और मैंने पूरा आपको दिखाया है, पूरी सोसाइटी दिखाई है, सोसाइटी के दोनों गेट दिखाए हैं, जो एक छावनी कैंट की तरफ खुलता है, और एक दयालम इधर की तरफ जीटी रोड की तरफ है ना, जो मेन गेट है, इधर मेन दोनों ही होंगे, मेन इधर ही, हाँ उधर ही है, यहाँ जीटी रोड है, जो
कौन सा पुल कहते हैं, सीओडी पुल चढ़ने से पहले पड़ता है, ठीक है, वो मैंने आपको सब दिखा दिया पूरा अंदर सोसाइटी। जो जो रोड दिख रही थी ये मेन रोड नहीं है, ये अंदर के जो यहाँ पे जो सब रहते हैं ना, यहाँ पे साहब लोग जो रहते हैं, अफसर लोग जो रहते हैं, उनका आना जाना, जैसे जो यहाँ के लोग रहते हैं वो आ जा सकते हैं, मेन बाहर वाले लोग ऐसे नहीं जा सकते। हाँ, किसी को कोई जानता है उसका नाम बता कर, जैसे कि आप हमारे यहाँ कोई आएगा, जैसे हमारे यहाँ आएंगे ना तो हमारा नाम बताएंगे लेंगे, तभी कोई आने देगा, ऐसे फिलहाल अंदर नहीं आ सकते, नाम पता बता कर ही आ सकते हैं, ठीक है। तो हम जिनके उसमें रहते हैं उनका नाम बता कर आ सकते हैं कि हाँ सुमित के घर जाना है, सुमित सक्सेना घर जाना है, ऐसा मतलब ऐसा होता है। तो वीडियो यही ख़त्म करेंगे, और कैसा लगा मंदिर, कैसा लगा ये भी ज़रूर बताना, और आगे वीडियो अच्छा अच्छा लाती रहूँगी, और थोड़ा सा वेट करिएगा, कोशिश करूँगी जल्दी वीडियो लाने के लिए फिर से। और मेरी सिस्टर नेहा ने मुझसे बोला था, दीदी रोज डेली इंतज़ार करती हूँ वीडियो का, तो थैंक यू, मुझे पता है इंतज़ार करती हूँ बेटा, ज़रूर लाएंगे, वैसे ही लाएंगे, लेकिन थोड़ा सा दीदी इस समय बिजी है आपकी, फ्री होते होते धीरे धीरे मैं कोशिश करूँगी, पूरा टाइम नहीं मिल रहा बिल्कुल भी, नया शिफ्ट और फटाफट इतनी अर्जेंट में सब कुछ हुआ है ना, मैं बता नहीं सकती कैसे कितनी मेहनत करनी पड़ रही है, वो मैं कर रही हूँ वो मैं ही समझ रही हूँ भैया, जिसको पर पड़ती वही समझता, लेकिन आप लोग भी समझते मुझे पता है। तो मुझे मंदिर में, मैं तो बस दर्शन करने गई थी, पंडित जी ने मुझे सिंगार दिया, बिंदी है, चूड़ी है, सिंदूर है, फूल भी मिला है मुझे वहाँ पे। तो अब शाम को काम हम करूँगी, तो सुबह के समय मैंने आलू टमाटर की सब्ज़ी पराठा बनाया था, और अपना घर का काम हम दिन में निकले थे घूमने, आपको भी घुमाया, और अब शाम को 4 बजने वाले हैं, शाम की घर की साफ़ सफाई करके कपड़े पर थोड़े धोने, कपड़े धुलूँगी, उसके बाद दिया बाती करके बस यही काम है, बाकी मैं आपके साथ रूटीन शेयर करूँगी एक दिन पूरे घर का, जैसे मैंने अभी बताया। और वीडियो यही ख़त्म करेंगे, जाते जाते खुद का ख्याल रखिएगा, और लाइक ज़रूर करिएगा, और न्यू है तो चैनल सब्सक्राइब कर लिए, वैकेंस पर करिए, शेयर करिएगा, छोटा सा प्यारा सा कमेंट करिएगा, और जाते जाते खुद का ख्याल रखिए, मम्मी पापा ख्याल रखिए, जिनसे प्यार करते हैं उनका ख्याल रखिए, और बताइए ज़रूर वीडियो कैसा लगा, ज़रूर बताना, ज़रूर बताना, ठीक है, बाय बाय, लव यू फैमिली, जय माता दी।